उत्तर प्रदेश की गोरखपुर पुलिस का रवैया एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। दरअसल पिपराइस थाने पर तैनात ट्रेनी महिला दरोगा अंकिता पांडे को एंटी करप्शन टीम ने शुक्रवार को 10,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। डायनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक महिला दरोगा ने मुकदमे से आरोपी का नाम हटाने के लिए एक महिला से 10,000 रुपए घूस ले रही थी। पिपराइच के बेलाकाटा गांव की रहने वाली उर्मिला देवी पत्नी गोरख निषाद व उनके परिजनों के खिलाफ 27 दिसंबर 2024 को पट्टीदारों ने मारपीट का केस दर्ज कराया था। पिपराइच थाने में तैनात बिहार के भोजपुर जिले की रहने वाली ट्रेनी महिला दरोगा अंकिता पांडे को इसकी विवेचना मिली थी। उर्मिला का आरोप है कि उसके पति गोरख, बेटे तूफानी व बेटी घटना में शामिल नहीं थे। इसका प्रमाण देने के बाद भी महिला दरोगा अंकिता पांडे उनका नाम निकालने के लिए 10,000 रुपए मांग रही थी। इसकी शिकायत उन्होंने अपने अधिवक्ता के साथ एंटी करप्शन थाने में जाकर की। टीम ने छानबीन की तो मामला सही पाया गया। शुक्रवार शाम को उर्मिला व उनके बेटे तूफानी ने महिला दरोगा से मोबाइल पर बातचीत कर केस के संबंध में मिलने के लिए समय मांगा तो उन्होंने बेलाकाटा पिकेट पर बुलाया। यहां पहुंचने पर उन्होंने जैसे ही दरोगा को रिश्वत के रूप में 10,000 रुपए का पैकेट दिया तो पहले से खड़ी एंटी करप्शन की टीम ने दरोगा को दबोच लिया। यह सब देखकर महिला दरोगा के साथ पुलिस पिकेट के साथ खड़े सिपाही भाग निकले। घूस लेते पकड़े जाने पर महिला दरोगा ने बचने के लिए पूरी कोशिश की लेकिन उनकी एक ना चली। महिला दरोगा के पकड़े जाने के बाद पिपराइस थाने के साथ साथ पूरे सर्किल के पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। इस खबर में इतना ही। आगे की खबर जानने के लिए देखते रहिए डायनामाइट न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।